कन्नौज दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए कन्नौज डिपो के द्वारा दिल्ली रूट पर 32 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी, जिससे जनता को सुविधा होगी। त्योहारों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर होने वाली भीड़ भाड़ को देखते हुए कन्नौज डिपो के द्वारा फैसला लिया गया है। दीपावली और छठ पूजा पर 32 अतिरिक्त बसें चलाकर जनता को सुविधा दी जाएगी। ये बसें 11 नवंबर से दिल्ली रोड पर चलेंगी, जो कि दीपावली और छठ पूजा के लिए होंगी। डिपो के द्वारा कुछ नई बसें चलाने का फैसला लिया गया है, क्या उद्देश्य रहा इसके पीछे? दीपावली में दिल्ली मार्ग पर ज़्यादा यात्री निकलते हैं, इसलिए दिल्ली के यात्री 32 बसें लगाई गई हैं। दिल्ली रोड पर चलेंगे, कन्नौज दिल्ली और चलेंगे 32 बसें, बाकी लोकल बसें चलेंगे, जहाँ के यात्री उपलब्ध होंगे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ बसें चलाई जाएंगी। सर, बसें चलाने का क्या उद्देश्य रहा? त्यौहार कौन सा त्यौहार पर चलेंगे, जैसे कब से शुरू हो रही है? ये 2 तारीख से लेकर 11 तारीख तक बसें चलेंगी, सवारी ज़्यादा निकलेंगी, वापसी भी होगी, उधर फिर लोग आएंगे भी। दीपावली छठ पूजा, हाँ दीपावली और छठ पूजा दोनों को देखते हुए बसें चलाई जा रही हैं। दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए कन्नौज डिपो के द्वारा दिल्ली रोड पर 32 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी, जिससे जनता को सुविधा होगी। त्यौहारों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर होने वाली भीड़ भाड़ को देखते हुए कन्नौज डिपो के द्वारा फैसला लिया गया है। दीपावली और छठ पूजा पर 32 अतिरिक्त बसें चलाकर जनता को सुविधा दी जाएगी। बसें 11 नवंबर से दिल्ली रोड पर चलेंगी, जो कि दीपावली और छठ पूजा के लिए होंगी।